राइट टू प्राइवेसी है हर इंसान को होती है, और आप एक हम ऑफिशियल कार्रवाई में आए हो और आप हमारी वीडियो बना रहे हो, आपको किसने राइट दिया? तो सर अब होगी राइट टू प्राइवेसी एक सिविल सिटीजन को है आपके पास, ठीक है? आप वो चीज़ नहीं, और आपको किसने राइट दिया? गाड़ी कौन सी? सर दो बार बोला था बाहर नहीं करते कोई बात नहीं, तू भैंस मेरी है जो जो मर्जी हो, तू डिस्क्लोज क्यों करा था? मैं किसी दो बार पूछा, चलो कोई बात नहीं, देखते देखते साहब आएंगे, मैं बैठ जाऊंगा, कोई आराम से, कोई देख लो, कोई खतरा कोई मोर रहा है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात, बैठो चलो तू माफी क्यों यार, दो बार तूने क्या सोचा, पूरी हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है तो हम तेरे को छोड़ेंगे क्या? चलो बड़ी खबर इस समय की जम्मू की बख्शीनगर से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि जम्मू जिले की बख्शीनगर पुलिस और आज बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू के पूरा बख्शीनगर इलाके में यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें आपको बताते चले कि लगभग 45 ग्राम चिट्टे के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस द्वारा एक बड़ी ये कहें कि रेड इस समय जो है वो की जा रही है। आओ जी मजिस्ट्रेट साहब, आप मजिस्ट्रेट साहब जी, विजय आप जो सच करो, जम्मू पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। जम्मू के बख्शीनगर से समय की तस्वीरें यहाँ पर, एसडीपीओ बख्शीनगर हो या फिर बख्शीनगर थाने के जो थानेदार हैं सतवीर जी, या फिर जो सरवाल चौकी के जो चौकी इंचार्ज हैं अनिल थापा जी, और इसके अलावा जीएमसी चौकी के जो चौकी इंचार्ज हैं वो भी इस समय यहाँ पर, और लगातार आप देख सकते हैं पुलिस की कई सारी टीमें इस समय जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं, और लगातार इस समय जो है वो एक घर के अंदर इस समय जो है वो यहाँ पर रेड चल रही है। जम्मू के बख्शीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर जम्मू शहर के अलग अलग जगहों पर पुलिस की मुहिम जारी है, लेकिन इस बीच तस्वीरें जो है वो जनाब हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती यहाँ पर इस समय जो है वो की गई है, और घर की तलाशी इस समय यहाँ पर जो है वो ली जा रही है। बख्शीनगर इलाके के रहने वाले दो युवक जिनकी पहचान विशाल और अभिषेक बताई जा रही है, जिन दोनों के पास से लगभग 45 ग्राम के करीब चिट्टा बरामद किए जाने के बाद पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई आज पूरे इलाके को जो है पूरे तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही है, और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन लोगों के पास ये इतना ये कहें कि मौत का सामान किस तरह से यहाँ पर इनके पास आया है, और कितनी देर से ये ऐसा काम कर रहे थे, इन सब बातों का पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लोगों से भी ये कहेंगे कि जनाब अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा है तो आप इस बारे में पुलिस को जो है वो जरूर जानकारी दीजिएगा, ताकि ऐसे लोगों को सलाखों का रास्ता जो है वो दिखाया जा सके और हमारे नौजवानों को ऐसे खतरनाक नशे से जो है बचाया जा सके। हर तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू में इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है, हर एक घर की इस समय जो है वो तलाशी यहाँ पर जो है वो ली जाती हुई। तो ये तो है ही आसान, विशाल मेरा छूट दे दियो, ये मेरा बिजली का नहीं चलता, मैं हाथ जुड़ गया कभी नहीं क्या मिलेगा फोन भेज देंगे इस लड़के को समझा दे, मैं ब्राह्मण ही हूँ, मैं शर्मा हूँ, मेरा पति भी मर गया, मेरा बेटा भी मर गया,
नहीं इसको क्यों समझा दो ये गलत वो बहुत मैंने समझाया खुद करता है। इधर दिन में लाइनें लगी होती है तो आप गेट खोलते हो भाई अपने बच्चे को कहता है कि मेरा बच्चा ऐसा मैंने थोक से ऐसे जमा था नहीं कब से कर रहा है ये पता नहीं कब से कर रहा है मुझे नहीं पता था कोई 10 साल से पहले भी इस पे केस लगे हुए ना पता नहीं ये ले चलो मैम रोटी छोटी तो मिलेगी उसको बचाओ उसकी जिंदगी बचनी चाहिए लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है वो डॉक्टर ने बोला उसको ये मरने वाला इसकी थोड़ी जिंदगी है वो तो मरे लेकिन लोगों के बच्चों को तो नहीं मारे पर यहाँ गेट तो आप ही खोलते आ रहे हो उसको जब मैंने पूछा कि जब तेरे घर में लेने के लिए आते हैं लोग खरीदने के लिए चिट्ठा तो गेट कौन खोलता है तो वो कहता है अम्मा जी खोलते हैं अम्मा जी कहाँ खोलती है वो उसने यही बोला मैं लोगों के घर काम करने जाती हूँ कहाँ खोलती हूँ लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से इस स्कूटी जो इस घर के अंदर थी ये वो घर है यहाँ से पुलिस ने जो है वो एक युवक को जो है वो गिरफ्तार करा था नशा जो है वो उससे मिला था दो युवक थे जिनका नाम अभिषेक और विशाल है और विशाल का घर जो है वो ये बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं इस स्कूटी को इस समय जो है पुलिस द्वारा यहां से ले जाया जा रहा है नशा बेचने वाला हो या फिर नशा करने वाला हो उसकी जो है वो अब खैर नहीं ये बात जो है वो SDPO बख्शीनगर व उनकी पूरी टीम ने यह साबित कर दिया है कि जनाब अगर जो भी ऐसा काम करेगा उसको जो है वो सबक सिखाया जाएगा लगातार आप देख सकते हैं पुलिस की टीम इस समय इस पूरे घर को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उस लड़के को जो है वो ये कहें कि जहरीले नशे के साथ गिरफ्तार करने के बाद उसके घर यहां पर पहुंची है वो माँ का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और SDPO बख्शीनगर को सैल्यूट करना ना भूलिएगा ये कहें कि लगातार नशा बेचने वाला हो या फिर करने वाला हो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो है वो जारी है और SSP जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी की बात करें तो उनके आने के बाद इस तरह के लोगों के खिलाफ लगातार जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है और ये आप देख सकते हैं इस समय जो है वो जम्मू के बख्शीनगर इलाके से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है जिसमें दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जम्मू के गुड़ा बख्शीनगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले दो लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके पास से लगभग 45 ग्राम के करीब चिट्टा जो है बरामद किया है। जनाब ये कोई मजाक नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि आखिरकार किस तरह से ये जो है वो ये दो लड़के जो है वो मौत का सामान लेकर जम्मू के इलाकों में यहां पर घूम रहे थे ना जाने ये बेचने का काम करते थे या फिर जो है वो ये नशा जो है वो खुद करते थे ये सब बात कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक जांच से जुड़ा पार्ट है और पुलिस की जांच के बाद ही सब साफ हो पाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि हमेशा लोगों का ये कहना रहता था कि जनाब पुलिस जो है वो नशा जो जिसके पास से नशा मिलता है पुलिस उस पर कार्रवाई करती है लेकिन यहां से ये लोग नशा लाते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर उन दो लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके घरों में यहां पर पहुंची है और फिलहाल उनके जो भी घर में है उनसे जो है इस समय जो है बातचीत यहां पर की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है उनके घर वालों से पूछा जा रहा है कि आपका बेटा कितनी देर से ऐसा काम कर रहा था और किसके कहने पर ये सब जो है वो इस तरह का काम करता था और कौन कौन लोग जो है वो उसके साथ मिलने के लिए यहां पर आते थे। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारी जम्मू पुलिस इस तरह से काम करेगी तो इस तरह के लोगों की जो है वो ये कहें कि इस तरह के लोग जो कि हमारे नौजवानों के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं तो इस तरह के लोगों का सफाया जो है वो जल्द ही जम्मू से जो है वो किया जाएगा।
हर जगह पर आप देख सकते हैं इस समय जो है पुलिस की टीमें फैल चुकी हैं और लगातार हर एक चीज को यहां पर खंगाला जा रहा है कि कहीं किसी भी चीज को कोई नाले के किनारे या किसी झाड़ियों के बीच ना छुपाया गया हो। खुद एसडीपीओ बख्शी नगर जहीर जी मौके पर मौजूद हैं, जिसमें बख्शी नगर थाने के जो थानेदार हैं इंस्पेक्टर सतवीर जी या फिर बाकी जितने भी चौकियों के इंचार्ज हैं, चाहे वो सरवाल चौकी के इंचार्ज हों अनिल जी या फिर जीएमसी चौकी के इंचार्ज हों, तमाम इस समय जो है पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और हर एक तरीके से जो है पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग जो है वो यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों में ये कहें कि जम्मू में यहाँ पर जो भी माहौल जो है वो खराब हो रहा है। तो फिलहाल आप सब लोगों से भी कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई भी व्यक्ति नशा बेच रहा है या फिर कर रहा है, आप उस बारे में पुलिस को जो है वो जरूर जानकारी दीजिएगा और पुलिस जो है वो आपका नाम गुप्त रखेगी और ऐसे लोगों को सलाखों का रास्ता दिखाएगी ताकि हमारे नौजवानों को, हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको जो है वो ऐसे लोगों से बचाया जाए। तो फिलहाल आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से जम्मू जिले की गांधीनगर पुलिस ने दो लड़कों को गिरफ्तार करा है जिनकी पहचान अभिषेक और विशाल बताई जा रही है और दोनों के पास से 45 ग्राम के करीब चिट्टा यानी कि ये कहें कि मौत का सामान जो है वो इनसे बरामद किया है और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उनके ठिकानों पर उनके घर में जहां पर इस समय जो है वो रेड की जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।